Hello and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Sarnikar and today we are going to cover popular Bible translations. Okay, so you can get my lectures at 9 PM on a daily basis. But video में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, December exam में JRF लेने के लिए smart preparation करना होगा. उसके लिए Global Online आपके लिए लेकर आया है English literature का complete course, जिसमें आपको video lectures मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके साथ ही आपको फुल नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा, जिसे अपने मोबाइल लैपटॉप में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट फाइनल आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है दैट यू आर गोइंग टू गेट कम्प्लीट पेपर वन कोर्स फॉर फ्री. सो यू आर सेविंग 3600 रुपीज़ या ओके. नाउ फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए जो है आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को फटाफट डाउनलोड कर सकते हो. सर्च सेक्शन पे जाओगे, आपको सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी. सर्च बार में जा करके डायरेक्टली कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा. इसकी ड्यूरेशन, इसकी फीस, सब कुछ आपको मिल जाएगी. कंटेंट सेक्शन पे जाते हो तो आपको यूनिट वाइज जो है फोल्डर अवेलेबल मिलेंगे. हर एक यूनिट में जो है थ्योरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन नोट्स, मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके साथ अगर आप ग्लोबल ऑनलाइन पेज कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हर एक सेशन की पीडीएफ आप लोगों के साथ में प्रोवाइड करवाई जाएगी. Now let's talk about the list of Bibles. Let's start with the first Bible. ठीक है सर, तो it's a Geneva Bible. So Geneva Bible के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली Bible है 1560 AD में आई. 1560 नाम नहीं, डेट याद रखिए, ईयर याद रखिए. ठीक है, ये एक फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज बाइबल है टू ऐड नंबर्ड वर्सेस टू इच चैप्टर. इन्होंने नंबर्ड वर्सेस ऐड किए हैं हर एक चैप्टर में, और ऐसा करने वाली ये जो है फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज बाइबल है. ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है. एक प्राइमरी बाइबल है 16th century की. ठीक है, एंड और एक बात ध्यान में रखिए कि बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट राइटर्स थे जिन्होंने इस बाइबल को यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल, विलियम शेक्सपियर वॉज द वन, ओलिवर क्रॉमवेल वॉज ऑल्सो देयर, जॉन नॉक्स वॉज देयर, जॉन डन एंड अदर्स, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट राइटर हैं. नाउ एक सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इस पर्टिकुलर वर्क का, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैकेनिकली प्रिंटेड मास प्रोड्यूस बाइबल वॉज मेड अवेलेबल डायरेक्टली टू द जनरल पब्लिक. क्योंकि उसके पहले ना, आपको भी पता है कि वो दूसरे लैंग्वेज में थी, उसकी वजह से लोग जो है उसे पढ़ नहीं पाते थे. उसके बाद ये आई द जिनेवा बाइबल, इसके वजह से क्या है, बहुत लोग मास प्रोड्यूस जो है प्रोडक्शन हुआ इस बाइबल का, और हर जनरल पब्लिक को भी मिल सकी ये बाइबल, वो लोग भी जो है रीड करने लगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बाइबल, द बिशप्स बाइबल. ठीक है, कब आई, 1568 को, 1568 AD को. ठीक है, एंड एन इंग्लिश एडिशन है ऑफ द बाइबल विच वॉज प्रोड्यूस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एस्टैब्लिश्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, एक पहली इंग्लिश एडिशन है जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अथॉरिटी के अंडर एस्टैब्लिश हुई और प्रोड्यूस हुई. ठीक है, इसे 1572 को भी रिवाइज कराया गया. 1568 में आई, 1572 में रिवाइज कराया गया. फिर और एक वर्जन आता है 1602. ठीक है, वो एडिशन बेसिकली किंग जेम्स वर्जन जो है बाइबल का, आप आगे देखोगे उसका बेस बनी. ठीक है, द किंग जेम्स वर्जन जो था दैट वाज कंप्लीटेड इन 1611, यू विल गेट टू नो इन फॉर द स्लाइड्स. ओके, नाउ द थर्ड वन, ड्यूए रीम्स बाइबल. ड्यूए रीम्स बाइबल, सो इट ऑल्सो नोन एज ड्यूए रीम्स वर्जन और रीम्स ड्यूए बाइबल और ड्यूए बाइबल, और एब्रिविएशन इस तरह से भी यूज करते हैं डी आर, डी आर बी एंड डी आर वी, बी एंड वी बोथ, है ना. ठीक है, नाउ देखिए, अ ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल फ्रॉम लैटिन वुलगेट इनटू इंग्लिश बाय मेंबर्स ऑफ द इंग्लिश कॉलेज ड्यूई इन द सर्विस ऑफ द इंग्लिश चर्च. तो बेसिकली फ्रांस में एक जगह है ड्यूई, वहाँ के जो जितने भी मेंबर्स थे इंग्लिश कॉलेज के ना, वहाँ के लोगों के द्वारा वल्गेट बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था. तो उसी को जो है हम लोग ड्यूए रीम्स बाइबल कहते हैं. ठीक है, आर इन द सर्विस ऑफ द इंग्लिश चर्च. तो किसके सर्विस के अंडर, इंग्लिश चर्च के सर्विस के अंडर. ओके, नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द किंग जेम्स बाइबल 1611. राइट, हमने पहले ही बात की. तो किंग जेम्स बाइबल जो है बेसिकली 1611 AD में आई,
एंड जब आई थी तो 80 बुक्स थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका मेजर पार्ट जो है हटा दिया गया एपोक्रिफा को रिमूव करने के बाद। 1885 में एपोक्रिफा को रिमूव किया गया, जिसके बाद 66 बुक्स ही बची, ठीक है। एंड आप इसे किम जेम्स बाइबल को KJB के नाम से भी जान सकते हैं, एंड ऑथोराइज वर्जन AV के नाम से भी जान सकते हैं। बेसिकली इट यूज्ड डिफरेंट टाइटल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बाइबल, ठीक है, द किंग जेम्स बाइबल। एंड एक अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, पहले के जितने भी बाइबल्स थे वो मॉडर्न नहीं थे, बट ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन में आता है, जो कि क्रिश्चियन बाइबल को जो है ट्रांसलेट करता है फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, फॉर हुम, फॉर चर्च ऑफ इंग्लैंड। नाउ और एक और क्या, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसे फर्स्ट प्रिंट करवाया गया था जॉन नॉटन एंड रॉबर्ट बाकर के द्वारा, ठीक है। दोनों जो है ना, एक तरह का पोस्ट था उनका किंग्स प्रिंटर, एंड वाज द थर्ड, दिस इज थर्ड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द इंग्लिश चर्च अथॉरिटीज। देखिए, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन को अप्रूव कराया गया है इंग्लिश चर्च अथॉरिटीज के द्वारा, तो ये जो पर्टिकुलर बाइबल है द किंग जेम्स बाइबल, जो कि प्रिंटेड हुआ था किसके द्वारा, जॉन नॉटन और रॉबर्ट बाकर के द्वारा, जो कि किंग्स प्रिंटर भी रह चुके हैं, मतलब उस पोस्ट में रह चुके हैं, तो ये थर्ड वर्क है। और दो कौन सा वर्क था, ये ग्रेट बाइबल थी एंड दूसरा था बिशप्स बाइबल, ठीक है। ग्रेट बाइबल, बिशप्स बाइबल एंड द किंग जेम्स बाइबल। व्हेन दे आस्क यू ना कि चर्च अथॉरिटी के द्वारा जो है कौन सी तीन ट्रांसलेशन थी जो कि अप्रूव हुई थी, तो आपको थर्ड नंबर में कौन था आप बता सकते हो इजीली, फर्स्ट में कौन था या सेकंड में कौन था, यू नो दिस सो यू कैन आंसर दैट राइट। नाउ द फिफ्थ बाइबल, रॉबर्ट एटकिंस बाइबल, 1782, ओके। सो 1782 की ये वर्क है और फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज बाइबल है जो कि अमेरिका में प्रिंट हुई, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज बाइबल है जो कि प्रिंटेड इन अमेरिका, दैट इज रॉबर्ट एटकिंस बाइबल। और देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट एंड ओनली एडिशन ऑफ द बाइबल एवर ऑथराइज बाय कांग्रेस। तो कांग्रेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, कांग्रेस वॉज ऑल्सो देयर, एंड एंड दैट वॉज ऑथराइज द ओनली फर्स्ट एंड ओनली एडिशन जो है बाइबल की, जो कि उनके द्वारा ऑथराइज की गई, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सिक्स जो है वो है इजैक कॉलिंस एंड इशाया थॉमस। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए, एक फैमिली बाइबल लिखी थी, फर्स्ट फैमिली बाइबल लिखी थी दोनों ने, ओके, दोनों ने मिलके लिखा था 1791 को, एंड इसे फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बाइबल भी बोला जाता है जो कि प्रिंट हुआ था अमेरिका में। फर्स्ट फैमिली बाइबल कौन है या फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बाइबल कौन कौन है प्रिंटेड इन अमेरिका, यू विल से व्हाट, यू विल से इजाक कॉलिंस एंड इशाया थॉमस की जो बाइबल थी वो, ठीक है। एंड ये ना बेसिकली इट्स अ सेकेंड क्वार्टर एडिशन है ऑफ द किंग जेम्स बाइबल प्रिंटेड इन अमेरिका। तो आपको सेकेंड क्वार्टर जो होता है, मैं बता दूं, जैसे एक पेज को आप चार टुकड़ों में फाड़ोगे ना, तो दिस इज क्वार्टर। अब बेसिकली इसे एक पेज को फोल्ड करके उसे डबल लीव्स बना देते हैं, दैट इज क्वार्टर एडिशन, ठीक है। सो ये बेसिकली क्वार्टर एडिशन है किंग जेम्स बाइबल की, जो कि प्रिंट हुई थी अमेरिका में। नाउ इट एड्स एन इंटरेस्टिंग बिट ऑफ न्यू जर्सी हिस्ट्री, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये न्यू जर्सी हिस्ट्री के बारे में भी बात करती है, ओके, थोड़ा सा उसमें ऐड किया हुआ है न्यू जर्सी। अब आपको पता है कि जर्सी तो वो जो स्पोर्ट्स में यूज करते हैं उसे भी बोलते हैं, तो बेसिकली ना उसका जो कपड़ा होता है वो एक डिफरेंट तरह का कपड़ा होता है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस से आता है जहां जिसका नाम है जर्सी, ठीक है। सो वहीं से वो वर्ड आया है। मूविंग ऑन, जेन एटकिंस बाइबल, नाउ इट वाज एक्चुअली फाउंडेड इन 1808 AD, एंड फर्स्ट बाइबल है जो कि विमेन के द्वारा प्रिंट हुई है, टू बी प्रिंटेड बाय ए विमेन, सो जेन एटकिंस बाइबल। सो इट्स इंपॉर्टेंट थिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट जो है नो वेबस्टर्स बाइबल, आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नोआ, है ना, द फॉल्ट वेब सीरीज, वेब सीरीज इट्स नॉट अ वेब सीरीज, आई थिंक इट्स अ मूवी, फॉरगेट इट। नाउ नो वेबस्टर्स बाइबल जो है 1833 को आई,
एंड वेबस्टर प्रिंटेड हिज ओन रिविजन ऑफ द किंग जेम्स बाइबल. वेबस्टर ने जो है ना खुद का अपना जो है अपना रिविजन पब्लिश किया, प्रिंट किया किंग जेम्स बाइबल का ही. जैसे हर एक, जैसे आप देखोगे महाभारत के भी बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन हैं, बहुत ज़्यादा उस पर सीरियल्स भी बनते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, बहुत सारे हैं ना. तो क्या होता है कि वेबस्टर ने भी अपना वर्जन निकाला. सो दैट इज कॉल्ड नो वेबस्टर्स बाइबल 1833. नेक्स्ट, इंग्लिश रिवाइज्ड वर्जन. इंग्लिश रिवाइज्ड वर्जन द फर्स्ट मेजर इंग्लिश रिविजन है ऑफ द KJV, ठीक है, किंग जेम्स बाइबल. ठीक है, नाउ 1885 AD को आपको ध्यान रखना है कि ये डेट है, ये ईयर है. एंड अ लेट सेंचुरी ब्रिटिश रिविजन ऑफ द किंग जेम्स वर्जन. सो किंग जेम्स वर्जन को इतना बार जो है रिवाइज किया गया है, कभी ब्रिटिश रिविजन हो रहा है, कभी वेबस्टर्स का रिविजन हो रहा है. इट इज द ब्रिटिश रिविजन. ठीक है, वॉज द फर्स्ट ऑफिशियली ऑथराइज एंड रिकोगनाइज रिविजन ऑफ द किंग जेम्स बाइबल इन ग्रेट ब्रिटेन. तो ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ यही है जिसे ऑथराइज किया गया है ऑफिशियली. ठीक है, रिकोगनाइज रिविजन जिसे लोग जानते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन. अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन अब क्या है, 1901 की है एंड फर्स्ट मेजर इंग्लिश रिविजन है ऑफ द KJV. ठीक है, नाउ और भी बहुत सारे टाइटल हैं, जैसे अमेरिकन रिवाइज वर्जन हो गया, द अमेरिकन स्टैंडर्ड रिविजन हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड रिवाइज बाइबल हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड एडिशन हो गया. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ टाइटल्स, डोंट गेट कन्फ्यूज, बहुत ईजी है याद रखना. नाउ मूविंग ऑन टू द 11th वन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल. वट न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल. तो यहाँ पे पहले थी अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, देन आई न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल. सो 1971 की वर्क है एंड बहुत ज़्यादा इसके लिए कहा जाता है कि मॉडर्न है. एट द सेम टाइम एक्यूरेट वर्ड यूज़ की गई है फॉर वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन. ठीक है, सो ट्रांसलेट करते वर्क मॉडर्न एंड एक्यूरेट वर्ड्स को यूज़ किया गया है. एंड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश जो है, 1971 की बात हो रही है, सो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश जो है ना उसमें ट्रांसलेट किया गया है. क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश के जो भी प्रोग्रेस जब हुई है, डेवलपमेंट जो हुई है धीरे धीरे हुई है और बहुत चेंजेस आए हैं, है ना. तो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में ये जो ट्रांसलेट की गई है न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है. नाउ बिब्लिकल क्लेम्स दैट बेसिकली व्हाट, नाउ लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस वन. ओके, इट क्लेम्स दैट द NIV डिलीवर्स the very best combination of accuracy and readability. Someone has commented or claimed that NIV जो है New American Standard Bible जो है deliver करती है एक तरह का accurate and readability, readable words combine करती है और वो बहुत अपने आप में ही best है. ठीक है, now moving on to the New International Version. The New International Version which is 1973. Okay, and it is also known as NIV. It's a modern and accurate phrase and phrase English translation of the Bible. The phrase and phrase translation है, मतलब phrase wise translation की गई है and बहुत accurate and modern translation है. Okay, now let's talk about New King James Version. We have already talked about so many times King James Version, King James Version. So it is 1982 and translation of the Bible in contemporary English. Contemporary English में उसे translate किया गया है and it was published by Thomas Nelson. ठीक है, Thomas Nelson के द्वारा इसे जो है publish कराया गया. And Thomas Nelson ने कहा है, scrupulously faithful to the original, yet truly updated to enhance its clarity and readability. जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है एकदम faithful ट्रांसलेशन है जो ओरिजिनल जो किंग जेम्स वर्जन है ना उसका, बट एट द सेम टाइम जो है एक अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा रीड करने में इजी है. ओके, सो थॉमस नेल्सन सेड दैट. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, द इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ESB. ओके, सो 2002 AD. Created by a team of more than 100 leading evangelical scholars and pastors. ठीक है, तो 100 leading, more than 100 leading evangelical scholars and pastors के द्वारा जो है टीम बना के जो है इसे क्रिएट किया गया. एंड बहुत सारे जैसे पहले के हिब्रियो, अरमेक और
ग्रीक टेक्स्ट है ना, उसका जो ओरिजिनल वर्जन है उसी पे बेस्ड किया गया है, मतलब उनके क्रिटिकल एडिशंस जो हैं उसी पे जो है ये पूरी वर्क जो है रिलाई करती है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन रिसेंटली पब्लिश क्रिटिकल एडिशंस ऑफ द ओरिजिनल हिब्रियो एरामेक एंड दिस इज एरामेक एंड ग्रीक टेक्स्ट। ओके सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, एंड रिवाइज कीजिए एंड नोट डाउन कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।